गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम अपने बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में सामाजिक परिवर्तन का जो आपका फोटो वीडियो है इससे रिलेटेड उस पर हम बात करते हैं आज सामाजिक परिवर्तन के कारण और सामाजिक परिवर्तन के बाधक। तो सामाजिक परिवर्तन के क्या क्या कारण हो सकते हैं अगर हम उसकी बात करें तो सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रमुख और बड़ा कारण यही है कि प्राकृतिक या भौतिक कारण, जैविकी कारण, जनसंख्यात्मक कारण, प्रौद्योगिकी कारण, सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, ये कुछ कारण या ये फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा हम देखते हैं कि समाज में किस प्रकार के परिवर्तन संभव है। जैसा कि पहला मैंने आपको बताया प्राकृतिक या भौतिक कारण, तो भौतिक तत्व या प्राकृतिक संबंधी जो तत्व होते हैं जैसे कि आपका भूकंप है, बाढ़ है, अकाल है, इस तरह से प्रभावित लोग क्या होते हैं, बेघर हो जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप ये प्रवासियों में परिवर्तित हो जाते हैं और उन्हें दूसरे स्थान पर जाकर अपना रहन सहन करना पड़ता है। रहन सहन जब दूसरे स्थान पर करते हैं तो इससे क्या होता है, वो अपनी संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है, जो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन एक तरह से लाता है। यदि देखा जाए तो सामाजिक परिवर्तन लाने में प्राकृतिक और भौतिक कारक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हमें समानता देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा सुनामी जैसे प्राकृतिक कहर के नाम से ही व्यक्ति क्या होते हैं, डर जाते हैं, इतनी बड़ी आपदा तो एक तरह से काल बनकर लोगों में सिर पर मंडराती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का भौगोलिक परिवर्तन या स्थिति परिवर्तन, आर्थिक स्थिति परिवर्तन हर तरह से होता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होगा और वह सामूहिक रूप से होगा तो वह बड़े से सामाजिक परिवर्तन का एक कारण बनता है। बात करते हैं हम जैविकी कारक की, तो जो आपका बायोलॉजिकल फैक्टर है इसमें हम जैविकी दशाएं देखते हैं कि जब जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन होता है या प्रजाति मिश्रण तथा स्त्री पुरुष के अनुपात का ही समाज पर प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो समाज में परिवर्तन आता है वो कहीं ना कहीं जैविकी कारक को लिए हुए होता है। आप उदाहरण के रूप में देख सकते हो कि समाज में जन्म तथा मृत्यु दरें ऊंची है तो इसका अंतिम परिणाम दुर्लभ संतानों का जन्म होगा और इससे क्या होगा, समाज में कार्यकुशल और अनुभवी व्यक्तियों की कमी हो जाएगी। इसी प्रकार यदि समाज में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक होती है तो बहुपत्नी गवाहों का प्रचलन हो सकता है जिसके कारण समाज में अनेक प्रभाव पड़ सकते हैं और प्रजाति मिश्रण से प्रचलित सामाजिक मूल्य और नैतिक स्तर भी बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये बायोलॉजिकल फैक्टर है ये सामाजिक परिवर्तन में एक अहम भूमिका निभाता है। जनसंख्यात्मक कारक की वजह से ध्यान दें तो जनसंख्या का आकार समाज के विभिन्न वर्गों में प्रजनन क्षमता, आय समूह और जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण, प्रजाति मिश्रण, नगर तथा ग्रामों की जनसंख्या का अनुपात, ये सारे रीजन कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण और जनसंख्यात्मक कारक सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जैसे सब आप एग्जांपल में देखिए कि जनसंख्या वृद्धि अनेक युद्धों का भी कारण बनती है, इस प्रकार जनसंख्या के आकार से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों में एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स हैं, संवेदनाएं हैं, वो खत्म हो सकती है क्योंकि पानी की इच्छा में हम ये ध्यान भूल जाते हैं कि सामने वाले से हमें सौहार्दपूर्ण व्यवहार भी करना है, तो आगे बढ़ने की होड़ हो जाती है। अधिक जनसंख्या के कारण जब बेरोजगारी भी बढ़ती है, आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती है, तो इस तरह से कई परिवर्तन हमें समाज में देखने को मिलते हैं। अगला आपका प्रौद्योगिकी कारण की आप बात करें तो प्रौद्योगिकी का अर्थ है एक तरह से उन्नत प्रविधियों से जो मनुष्य को भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन बनती है, जैसे यातायात एवं संदेशवाहक साधनों के विकास से हमने देखा कि मशीनों पर आविष्कार हुआ, तो मशीनों के आविष्कार के कारण समाज की जो संपूर्ण संरचना है वह कहीं ना कहीं प्रभावित हुई।
सांस्कृतिक कारक के रूप में हम देखें तो जो संस्कृति है वह सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण होता है, क्योंकि संस्कृति के अंतर्गत हम धर्म, विचार, नैतिकता, विश्वास, प्रथा, परंपरा और उन मूल्यों द्वारा विभिन्न संस्थानों को समृद्ध करते हैं। जब संस्कृति के इन तत्वों में परिवर्तन आता है तो समाज में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। आर्थिक कारण के को ध्यान में रखें तो हम देखते हैं कि संपत्ति का जो स्वरूप होता है, व्यवसाय की जो प्रकृति होती है, व्यक्तियों का जो जीवन स्तर होता है और संपत्ति का जो वितरण होता है, एक तरह से व्यापार चक्र या उत्पादन का स्वरूप होता है, वह सामाजिक ढांचे को अनिवार्य रूप से प्रभावित करता है। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा भी है कि सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारक का विशेष जोर दिया है। कार्ल मार्क्स ने उन्होंने लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। वर्ग संघर्ष निश्चित रूप से ही एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है। वर्ग संघर्ष के फलस्वरूप पुरानी मान्यताओं का ढांचा चरमरा कर टूट जाता है और विभिन्न वर्गों को नए अधिकार प्राप्त होने लगते हैं। इससे महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जो आर्थिक स्थिति है वो लोगों की बदल जाती है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन होता है। मनोवैज्ञानिक कारकों को अगर ध्यान में रखें तो मनोवैज्ञानिक कारकों से भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं। व्यक्ति नवीनता चाहता है और नवीनता लाने के लिए परिवर्तन आवश्यक होते हैं। कभी कभी जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए व्यक्ति तरह तरह के नए कार्य करता है और नए व्यवहारों में वृद्धि हो जाने से सामाजिक परिवर्तन होना स्वाभाविक होता है। यानी कि पुरानी एवं नवीन पीढ़ी के विचारों आदि के विषय में क्या होता है, संघर्ष होने के कारण भी सामाजिक परिवर्तन होता है। तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है। सामाजिक परिवर्तन के बाधक तत्वों को देखें तो निहित स्वार्थ, जब क्या होता है लोगों के अंदर निहित स्वार्थ सामाजिक परिवर्तन में एक तरह से बाधा होने लगती है। यदि परंपराओं के जो चलती हैं हमारे समाज में उसमें कुछ लोगों का स्वार्थ सिद्ध होता है, तो ऐसे लोग परिवर्तन को पसंद नहीं करते हैं। निहित स्वार्थ इसके बाधक के रूप में हमें देखने को मिलता है। सांस्कृतिक जड़ता की हम बात करें तो सांस्कृतिक जड़ता से का अर्थ है कि पूर्वजों से प्राप्त हुए उन मूल्यों, विश्वासों और परंपराओं से जिनके कुछ लोग अन्य एक तरह से भक्त से हो जाते हैं, सांस्कृतिक को पकड़ कर रह जाते हैं। नहीं, हमारे समाज में ऐसा नहीं हो सकता, हम इस प्रकार ही करेंगे, हमारे परिवार में इस तरह लड़कियां बाहर पढ़ने नहीं जा सकती हैं, ठीक है, तो छुआछूत को मानना इस तरह से, मतलब हम ऊंची जाति के हैं, नीची जाति को छू नहीं सकते, इस तरह की हमने जब जड़ताएं जगह के रखी है, हमारा धन श्रेष्ठ है, अनुमान, तो इस तरह की जड़ताएं कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन में उभर कर आती है। बात करते हैं नवीनता के भय को देखते हैं तो क्या होता है कि समाज में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो केवल एक ही प्रकार का जीवन जीने के शौकीन होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना हो, कोई बदलाव ना हो, और ये परिवर्तन या जो बदलाव है वो उनके जीवन को कहीं ना कहीं क्या करेगा, अस्त व्यस्त कर देगा, या नवीनता को अपनाने के भय के कारण वो समाज में परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो नवीनता को धारण नहीं करना चाहते, नवीनता से जुड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे जो कुछ व्यक्ति होते हैं, जो दृढ़ होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, वो किसी भी मूल्य पर किसी नवीनता को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होते। पृथकता की मात्रा की बात करें तो प्रत्येक समाज क्या होता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने को दूसरे वर्गों से पृथक रखता है, दूसरे समूह की संस्कृति के संपर्क में नहीं आता। जैसे हम अपने देश में देखें कि हमारे भारत में निवास करने वाले जो पिछड़ी हुई जातियों के लोग हैं, समाज के अन्य वर्गों से पृथकता की मात्रा जितनी अधिक होगी, सामाजिक परिवर्तन का विरोध उतना ही अधिक किया जाएगा। पृथकता एक तरह से दिन प्रतिदिन कम होने के बजाय निरंतर बढ़ती जा रही है। मिशन के भविष्य के लिए यह एक चिंता का विषय है। अलगाव की इस भावना को हमें किसी भी प्रकार नियंत्रित करना होगा, नहीं तो ये हमारे समाज में एक ठहराव सा ला देगी और परिवर्तन को न स्वीकार करना कहीं ना कहीं पृथकता की ही कमी के कारण होता है। हम अपना एक पृथक समाज बना लेते हैं, पृथक रूल चलते हैं, वहाँ पर पृथक कुछ नियम चलते हैं, अन्य नियमों को हम नहीं देखते हैं, समाज में एकरूपता को नहीं देखते हैं। तो पृथकता की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्वों के रूप में देखने को मिलती है। राजनीतिक कारक, कानूनी कारक, धार्मिक संकीर्णता और उच्च शिक्षा के अभाव की यदि हम बात करें तो समाज में अधिकतर परिवर्तन राजनीतिक कारणों से होते हैं।
क्योंकि राजनीतिक स्थिरता से ही समाज में निरंतरता और स्थायित्व का आकलन। जब राजनीति में जैसे चुनाव हुए 5 वर्ष के बाद में कोई सरकार आई, किसी ने दूसरे नियम लगाए, जब दूसरी सरकार आई तो उन नियमों जो नियम बने थे उन पर रोक लगा दी और अपने कुछ नियम बना दिए गए। तो इस तरह से समाज में एक तरह से जो निरंतरता चलती रहती है उसमें एक रुकावट सी हो जाती है और व्यक्ति उन नियमों को समझ नहीं पाता है। जैसे कि आप देखें कि स्वतंत्र भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है और इस व्यवस्था ने भारतीयों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। कानूनी कारक की बात करें तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून जहां एक ओर सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में सहायक होते हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक परिवर्तन में भी सहायक होते हैं। भारत में जब कानून के द्वारा जंगी राज प्रथा का अंत किया गया, दासता और शोषण को समाप्त किया गया तो क्या हुआ? लड़के लड़कियों की विवाह की आयु निश्चित की गई, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा को जननी अपराध घोषित करके छुआछूत को समाप्त करके देश में सामाजिक जीवन में बहुत व्यापक परिवर्तन लाए गए। और इस प्रकार से हमने देखा कि जो कानूनी कारक है चाहे कहीं ना कहीं बाधा के रूप में क्या होते हैं कि हमारे देश की जो कानूनी प्रक्रिया है वो फ्लेक्सिबल होने के कारण कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और ये सामाजिक मिलता है। धार्मिक संकीर्णता की बात करो तो समाज में व्याप्त जो भी धार्मिकता से संबंधित भावनाएं व्यक्ति की नवीन विचारधारा से अपनाने को रोकती है और धार्मिक दुर्भाग्यता सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालती है। उचित शिक्षा का अभाव की बात करें तो समाज में यदि उचित शिक्षा का विस्तार न हो पाया तो इन कारणों से भी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पाती। तो ये आपका टॉपिक था सामाजिक परिवर्तन के कारण और उसके बाद कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका और शिक्षक की भूमिका की बात करेंगे और इसके बाद हम अपना नया टॉपिक राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता इसको देखेंगे। तो आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हुए धन्यवाद।